हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया छोड़े लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये पूरा मामला अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या फिर उनका मर्डर हुआ था। और बीती शाम सुशांत के पापा के सिंह ने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जो कि सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। और इसी बीच अब अंकिता लोखंडे, जो कि सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उन्होंने भी बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, अंकिता ने पटना पुलिस को अपना बयान दर्ज करवाया है और कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अंकिता का कहना है कि सुशांत रिया के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी परेशान थे और इस बात का जिक्र उन्होंने अंकिता से भी किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अंकिता और सुशांत का तो ब्रेकअप हो चुका था, तो भला सुशांत ने अंकिता को ये तमाम बातें कब कही और कैसे कही? तो आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि अंकिता लोखंडे और सुशांत की जो आखिरी चैट थी वो हुई थी फिल्म मणिकर्णिका के दौरान। और उसी दौरान जब सुशांत ने अंकिता को मणिकर्णिका के लिए विश किया था, तो दोनों की चैट पर बात हुई और उसी वक्त सुशांत ने अंकिता से अपना दर्द बांटा था और कहा था कि वो अपने नए रिलेशनशिप यानी कि रिया के साथ जो उनका रिश्ता चल रहा है उसमें बिल्कुल खुश नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं हैं। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में फंस चुके हैं। ये तमाम बातें अंकिता से सुशांत ने चैट के दौरान की थी, अपना दर्द शेयर किया था अंकिता लोखंडे से, जो कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। यही नहीं, अंकिता ने भी अपने बयान में ये सभी तमाम बातें पुलिस को बताई हैं और कहा है कि इस पूरे मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए और सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।